स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे। मेरा नाम है तान्या शर्मा और आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जरूरी चीज, यानी कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स फॉर लेटर राइटिंग। लेटर यार एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और हम लोगों ने अक्सर सुन रखा होता है। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मल लेटर्स आते हैं, यानी कि भाई बहुत जाहिर सी बात है कि हमें लेटर लिखना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? नंबर चाहिए तो इम्पॉर्टेंट है। बट यार लिखने आने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी टिप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम लोग छोटी छोटी जगहों पे हमारे जो नंबर है ना वो लूज करके ना आए, ठीक है? तो अगर आप लोग आज की ये वीडियो पूरी देखते हो और आज की वीडियो में जो टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ उसे आप लोग अच्छे से समझ लेते हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ तुम लोगों के पूरे नंबर आएंगे लेटर राइटिंग में, ठीक है? चलो सो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर्मेट, ठीक है? किसी भी चीज़ को करने का एक फॉर्मेट होता है, चाहे तुम नोटिस कर लो, लेटर कर लो, एडवर्टीजमेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो, फॉर्मेट होता है, राइट? कि भाई पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, लाइन छोड़नी है, डेट आएगा, फिर लाइन छोड़नी है, रिसीवर एड्रेस आएगा। तो ये लाइन छोड़ना, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों जो गलत हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंडर्स एड्रेस के बाद जब हम डेट लिखते हैं, अपने बर्थडे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखाते हैं, है ना? और ये पूरा गलत है। जब हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि हमेशा डेट को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखकर आना है, कभी भी डेट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर नहीं आना, राइट? पर अगर बच्चे को अच्छे से फॉर्मेट आता ही नहीं है तो वो तो ये गलती करके आएगा ही, यहाँ पे हमारे नंबर लूज हो जाएंगे। इसलिए बच्चों फॉर्मेट क्या है ये देखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जब भी आप लेटर राइटिंग करो मेक श्योर कि आप फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लो। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि जब हमें फॉर्मेट आ गया तो अब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए लेटर को लिखने का, राइट? इसमें भी हम लोग एक बहुत छोटी सी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आओ मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी तुम लोगों के लिए, एक यहाँ पर शेप बना लूँगी, ठीक है? एक यहाँ पर शेप बना लेते हैं, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है? अब बॉक्स बना लिया तो आप लोगों को पता है कि भाई मान लो ये मेरी आंसर शीट है, तो सबसे ऊपर हम सेंडर्स एड्रेस अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर अपन छोड़ते हैं एक लाइन, फिर हम डालते हैं डेट, फिर हम छोड़ते हैं एक लाइन, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे द एडिटर, राइट? कोई भी जो भी न्यूज़पेपर का नाम पेपर में दिया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पर लिख दो तुम अगस्त क्रांति मार्क, व्हाटएवर, ठीक है? मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो मान लो ये ऐसे तुम कर करके अपने जब लेटर को लिखने की कोशिश करते हो, अब यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें दिखेगी कि मैंने एस लिखा, एस के नीचे ही मैंने डी लिखा, डी के नीचे ही मैंने टी लिखा, पर जो एच है ना उसे मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया, फिर ए मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया। ये दिख रहा है कि मैंने एक सीक्वेंस में नहीं लिखा, राइट? मैंने एक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, ठीक है? अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लेट्स से एक और स्क्वायर बनाती हूँ यहीं पर, ऐसे मान लो ये मैंने बना लिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर मान लो दोबारा सेम चीज़ लिख रही हूँ, सेंडर्स एड्रेस, नीचे डेट, नीचे फिर द एडिटर, द एडिटर, ठीक है? नीचे फिर द हिंदुस्तान टाइम एंड सो ऑन, ठीक है? एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये कि भाई मैंने एस के नीचे ही डी लिखा, डी के नीचे ही टी, टी के नीचे ही एच, एक प्रॉपर लहे में स्ट्रक्चर है, विच इज़ द राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, आगे पीछे, कभी यहाँ पर कम गैप है, कभी यहाँ पर बाउंड्री के बाद ज़्यादा गैप है, तो दिस इज़ रॉन्ग। कभी भी ये गलती अपने लेटर राइटिंग में मत करना, बहुत बच्चों को ये ध्यान में नहीं रहता है, वो ये गलती कराते हैं, ठीक है? तो ऐसा आप लोग कतई ही मत करिएगा। जब आप लिख रहे हैं तो एक प्रॉपर लहे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है? हर पैराग्राफ जब भी एंड हो रहा है तो एक लाइन छोड़ना है। आपको पता है कि भाई 3 पैरा होते हैं, हर पैराग्राफ के बाद अपने को एक एक लाइन का स्पेस देना है, तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मेन पॉइंट्स, ठीक है? अब मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि यार देखो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है,
इस बुक के जरिए मैं तुम्हें समझाऊंगी। ये बेसिकली मैं फॉलो करती हूँ बुक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट तुम लोग भी इसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं लिंक डाल दूंगी तुम लोगों के लिए, देख लेना। तो ये ओसवाल की बुक है, इस पर CBSE क्वेश्चन बैंक लिखा है। ये बुक मैं क्यों बोल रही हूँ, मेन पॉइंट्स के लिए अभी समझाऊंगी। अगर तुम लोग इसका कंटेंट वाला पेज देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें ये सेक्शन मिलेगा राइटिंग का, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सारी चीज़ें इकट्ठे ही मिल जाएं। जब तुम खोलोगे लेटर राइटिंग तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मल लेटर्स ही दिखाई देगा, राइट। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं समझाती हूँ। देखो, हर लेटर के स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स होती हैं जो हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर एक टेम्पलेट जो हमने बचपन से याद करी है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म, है ना, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रिगार्डिंग दिस दिस दिस, या फिर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ दिस। मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये है बेटा कुछ स्टार्टिंग की लाइन्स जो हर लेटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आपको ये नहीं है कि हर लेटर के लिए अलग अलग दिमाग लगाना है। ये आप कैसे करोगे, थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश लिखी नहीं जाती, लेटर राइटिंग में ना समझ में हिंदी में होता है, यहाँ इंग्लिश में उतार नहीं पाते हैं। कैसे उतार पाओगे, कैसे उतार पाओगे, जब भी साइकिल चलाते हो एकदम चला लेते हो, स्कूटी चलाते हो एकदम चला लेते हो, नहीं ना, प्रैक्टिस लगती है। क्या करो, ये नहीं तो इस बुक की सहायता ले लो, ये सबसे सॉर्टेड चीज़ है, है ना। तुम लोग कहीं और की भी सहायता ले सकते हो अगर तुम्हें लेनी है, बट ये सबसे सॉर्टेड चीज़ है, ठीक। सबसे सॉर्टेड कैसे, क्योंकि भाई सारी चीज़ें एक ही जगह है ना, पेपर टाइम पे इधर उधर थोड़ी भटकेंगे, जब सारी चीज़ें यहीं मिल रही है तो फिर क्या दिक्कत है, राइट। यहाँ पर बच्चों इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं लेटर राइटिंग के, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मेरी आँखों के आगे ही तुम लोग देख लो, कम से कम नहीं तो हर चीज़ के 15-15 एग्जाम्पल है, लेटर टू एडिटर, ऑर्डर, प्लेसमेंट, अलग अलग। अगर तुम ये लेटर्स रीड कर लेते हो ना, ठीक है, मान लो मैंने लेटर को एक एक दिन मैंने एक एक लेटर रीड करा, तो दिमाग में ना कुछ पॉइंट्स छप जाते कि अरे ये लाइन तो हर लेटर के शुरू में आ रही है, ये तो मैं पेपर में भी लिख कर आ सकता हूँ, तो ये लाइन हमने याद कर ली, है ना, एक हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। तो जब पेपर में क्वेश्चन आया तो कुछ लाइन यहाँ से, कुछ लाइन यहाँ से, कुछ लाइन यहाँ से उठाई, थोड़ा अपना दिमाग लगाए, लिख कर आ गए। बट अगर हम बिल्कुल ही ब्लैंक है तो पेपर में कैसे लिख कर आएंगे। यहीं से मेरा चौथा पॉइंट भी कनेक्ट करता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे, मैं ये नहीं बोल रही लिख लिख कर देखो, रीड कर लो खाली कि भाई आज मैंने ये लेटर पढ़ा, ठीक है, आज मैंने ये दूसरा लेटर पढ़ा, ठीक है, आज मैंने तीसरा। क्यों बोल रही हूँ, मान लो एक रोड पे चल रहे हो, लेट्स से तुम लोग एक रोड पे चल रहे हो, ठीक है। अब भाई रोड पर तुमने क्या देखा कि एक ही पोस्टर हर जगह लगा हुआ है ना, सेव वाटर, सेव वाटर, सेम पोस्टर हर गली में लगा हुआ है। अब अगर तुम आ जाओ वापस और मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम ना मुझे एक पोस्टर बना कर दो सेव वाटर पे, क्या तुम बना पाओगे? हाँ, क्योंकि जब तुमने वो देखा पूरी रास्ते गली में आते हुए, तो कुछ चीज़ें तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना। बट सोचो तुमने कभी देखा ही नहीं कि पोस्टर क्या होता है, फिर तुम बना पाओगे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं भाई लिखना क्या है, राइट। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम लोग रीड कर लेते हैं, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं ना एग्जाम्पल्स, ठीक है, जब भी हम लोग वेरियस एग्जाम्पल्स को बच्चों रीड कर लेते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में एक पैटर्न, कुछ मेन पॉइंट्स सेट हो जाते हैं। जब वो सेट हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से पेपर में लिख कर भी आ पाते हैं, और हमारी ये शिकायत भी नहीं रहती कि मैडम हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, राइट। इंग्लिश आएगी ना जब तू मेहनत करेगा, जब तू पढ़ेगा तो आएगी इंग्लिश, क्यों नहीं आएगी इंग्लिश। बट अब तू एकदम से सोचे कि तू अंग्रेज हो जाए तो ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना, प्रैक्टिस लगेगी। अब तू एकदम से सोचे यार मैं कोई नई भाषा सीख लूं, याद आप कर सकते हो, पर इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को एकदम से नहीं सीख सकते। तो थोड़ा सा जब पढ़ोगे कि यार हर लेटर में ये हो रहा है ना, दिमाग में बैठेगा, चीज़ें बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो मैं राइटिंग सेक्शन के लिए सारे बच्चों को, जितने मेरे पेड बैच के भी बच्चे हैं, उन सबको यही बोलती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके ना राइटिंग अच्छी करनी है तो पहले रीड करो, ठीक है। और इसमें खाली लेटर के नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, इसमें एनालिटिकल, पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तुम्हारे ग्रामर के सारे टॉपिक, इतने क्वेश्चंस है ना कि अगर तुम प्रैक्टिस, ये चौथा पॉइंट तो तुम्हारा यही बुक फुलफिल कर देगी। दोबारा बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू लुक कि भाई क्या है इसमें,
ठीक है, तो बुक की तो चलो अलग बात हो गई, बट ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने ही रखने हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट अच्छे से करते हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिख कर आते हो, मेन पॉइंट्स को याद रखते हो, है ना, मेन मुद्दे को याद रखते हो और प्रैक्टिस करके जाते हो, तो दुनिया का कोई तुर्रम खा नहीं है जो तुम्हें पूरे नंबर नहीं देगा। इससे तुम्हारा ग्रामर भी स्ट्रांग होगा, है ना, छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है वो भी नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल बच्चा पार्टी, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।